वेक्टर, एरिया वेक्टर क्या होता है? अब तक हमने सुना था एरिया सिंपल सा पैरामीटर है जिसमें लेंथ विड्थ होता है और प्लेन होता है, कह सकते हैं प्लेन का पैरामीटर एरिया कहता है, ठीक है। अब तक हमने एरिया का कितना सा इस्तेमाल किया कि अगर हमें किसी प्लेन पर रहना है, प्लेन पर चलना है, प्लेन से लड़ना है, तो हमने एरिया का इस्तेमाल किया। लेकिन आज हमको समझेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है, ठीक है। आज ये बोलने जा रहे हैं एरिया इज वेक्टर, पर ये क्या बात कर रहे हो आप? बिल्कुल सही बोला आपने, हमने सही सुना। एरिया ऑफ वेक्टर पर कैसा है एरिया वेक्टर पर? इसमें हमने एक बात जाननी है कि अगर हम किसी प्लेन की बात करते हैं, किसी प्लेन की, इस प्लेन का इस्तेमाल करना है कैसे? गुजरने के, उसमें से होकर पास होने के। तो अगर हम किसी प्लेन का इस्तेमाल करेंगे, मेरे पास ये प्लेन हो गया, इस प्लेन का हमें इस्तेमाल करना है, तो गुजरने के लिए हमें कैसे गुजरना होगा इसमें से? ये गुजरने के लिए हमें इसमें से कैसे गुजरना होगा? पास कैसे होना होगा? परपेंडिकुलर, मतलब इस प्लेन का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे इसमें से गुजरने के लिए? प्लेन मतलब हमें इसमें चलना नहीं है बल्कि इस प्लेन से होकर पास होना है। तो अब एरिया वेक्टर इस्तेमाल कैसे होगा? एरिया वेक्टर यूजेस एज पास थ्रू द प्लेन, पासेस थ्रू द प्लेन। मतलब हम प्लेन की बात करें तो प्लेन यहाँ पर इसलिए बनाया गया है ताकि हम इस प्लेन से होकर पास हो जाए। तो द प्लेन विच इज यूजिंग एज पास एक्सिस, या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया जब हम उस प्लेन का इस्तेमाल होकर पास होने के लिए करते हैं, तो व्हेन वी ट्राई टू पास थ्रू द एक्सिस वी ऑलवेज सिलेक्टेड टू पास परपेंडिकुलर, ठीक है। हमें हमेशा कैसे सिलेक्ट करना होगा, हम इसमें से कैसे पास होगा? परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ प्लेन दैट इज एरिया वेक्टर, दैट इज डिफाइंड एज एरिया वेक्टर। तो हमें इसमें से होना है पास। तो इस प्लेन का क्या हो गया? कुछ ना कुछ एरिया हो गया, इस प्लेन का एरिया हो गया ए। और इस प्लेन से अगर पास होना है तो हमें कैसे पास होना होगा? परपेंडिकुलर। तो ये इसका हो गया इसका पास एक्सिस, दैट इज एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज, एरिया वेक्टर दैट इज रिप्रेजेंटेड एज द पास एक्सिस, विद पास एक्सिस दैट इज एरिया वेक्टर। सिंपल शब्दों में अगर हम कहने की करें तो एक ऐसा प्लेन जिसका इस्तेमाल पास होने के लिए हम करते हैं, उस प्लेन का एरिया, एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर हो। केवल ऐसा ही नहीं, अगर हमको इसको ऐसे दिखाना होगा, इस प्लेन का अगर हमें एरिया वेक्टर बताना होगा, तो इस प्लेन से भी अगर पास होना होगा तो इसका पास एक्सिस क्या होगा? परपेंडिकुलर, दैट इज आउटसाइड। अगर हमें इसका इस्तेमाल करना होगा, इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? ऑफकोर्स परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? एरिया वेक्टर के बारे में, एरिया वेक्टर क्या है? एरिया वेक्टर इज नथिंग बट अ पर्टिकुलर
पर्टिकुलर पैरामीटर ऑफ पर्टिकुलर प्लेन विथ पास एक्सिस, ठीक है। एक ऐसा प्लेन जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज करना है, कैसे यूज करना है, पास होने के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेन दिख रहा है आप, इसका पैरामीटर कैसे निकालोगे आप, लेंथ और विड्थ से आप निकालोगे इसका एरिया कितना, इसका रीजन और रीजन का इस्तेमाल आप कैसे यूज करेंगे गुजरने के लिए। तो पास होने के लिए आप इस्तेमाल करोगे तो आप क्या कह सकते हो, एरिया वेक्टर, द रीजन विथ एरिया, द रीजन विथ एरिया इज कॉल्ड एरिया वेक्टर विथ इट्स पास। पास का मतलब इसके साथ गुजरना, ठीक है, क्या गुजरना है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एरिया विथ इट्स पास एक्सिस, हर एरिया का एक पास एक्सिस होता है। अब पास एक्सिस कैसा होगा आपको तो बताइए मुझे, इसका पास एक्सिस कैसा होगा, इसका पास एक्सिस कैसा होगा, परपेंडिकुलर। हमें इसके पास बनाया तो कैसे पास होगा, परपेंडिकुलर। दैट मींस ईच एंड एवरी एरिया वेक्टर हैज इट्स पास एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसे इसकी बात हम करें तो इस प्लेन का पास एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, दिखाई दे रहा है। वैसे हम बता दें इनक्लोज्ड रीजंस का एरिया वेक्टर हमेशा आउटसाइड होता है, इनक्लोज्ड रीजन, ठीक है, इनक्लोज्ड है, ये कमरा इनक्लोज्ड बनाया है, इस वाले रीजन का पास एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड, इसका क्या होगा, परपेंडिकुलर आउटसाइड। अगर हम इस वाले फेस की बात करें तो आपको दिख रहा है इधर, ऑफ कोर्स जहां दिख रहा है वही बताओगे, जहां नहीं दिख रहा आप नहीं बता पाओगे। तो इसका पास एक्सिस अगर कहां बात करें तो इस रीजन के आउटसाइड परपेंडिकुलर, दैट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का क्या इस्तेमाल है अब आपको धीरे-धीरे क्लियर हो जाएगा। Now, today we have to talk about electric flux, ठीक है, पढ़ा है आपने क्लास 10 में मैग्नेटिक फ्लक्स का, इस तरह के साथ हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। व्हाट डू वी मीन फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नथिंग, कुछ खास नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हेन पासेस थ्रू द बाउंडेड रीजन, इनक्लोज्ड रीजन, बाउंडेड रीजन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हमारी चार्जेस से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, इनको हम देख नहीं सकते, व्हिच इज कैन नॉट बी सीन बाय आईज, तो हम इसको आई से तो देख नहीं सकते। तो फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो पर्टिकुलर रीजन से पास होंगी, तो हम फील्ड लाइंस को नहीं देख सकते, तो इसका मतलब हम पास होने वाले फील्ड लाइंस को भी नहीं देख सकते। द फील्ड लाइंस व्हिच इज पासेस थ्रू द पर्टिकुलर गिवन रीजन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कंफर्म। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक पर्टिकुलर रीजन, रीजन कैसा है, ऑफकोर्स रेक्टेंगुलर है, क्या इनक्लोज है, ऑफकोर्स इनक्लोज है, चारों तरफ से बंद है, इनक्लोज है, ठीक है। अब हमने क्या किया है, यहां से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझते हो, हमने बात की यूनिफॉर्म, जहां पे हर जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज जो है वो सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जरा बताइएगा कि इस प्लेन का एरिया वेक्टर कहां होगा, इसका पास एक्सिस कहां होगा, इसका 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 एरिया वेक्टर क्या होगा, इस प्लेन का इसका बताया था ना, तो इसका क्या होगा एरिया वेक्टर, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये छोटा रीजन होगा, छोटे से सेक्शन का क्या लिखोगे आप, डीएल। अगर आप पूरे सेक्शन का एरिया वेक्टर अगर आपसे पूछे तो पूरे का कहां होगा, इस छोटे से सेक्शन का अगर ऊपर है तो पूरे सेक्शन का एरिया वेक्टर कहां होगा, ऑफ कोर्स ऊपर होगा, तो इसका क्या होगा, पास सेक्शन, कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्चुअली नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है किससे, इवन पर्टिकुलर रीजन से, ठीक है। तो ये हो गया हमारे मतलब में किससे, पास एक्सिस से, कौन पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। कितना एंगल बना रहा है, क्योंकि दोनों की वेक्टर क्वालिटी है, तो दोनों वेक्टर क्वालिटी एक दूसरे के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, और दैट इज कॉल्ड थीटा। तो थीटा इज एंगल बिटवीन व्हाट, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज, ओके। चलो हमने आपसे क्या बोला, द इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस व्हिच इज पासेस थ्रू द bounded region that is called electric flux, of course electric
तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कौन कौन पास हुआ है, जो इस रीजन से पास हुआ है उनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पूछ रहे कौन पास हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ है तो एडजस्ट कौन होगा, अगर ये किसी एंगल पे जा रहा है तो आप मुझे बताइए कि अगर कोई इस पर्टिकुलर रीजन से पास हो रहा है, ठीक है, तो ये डोर हो गया, रीजन हो गया, और पास होने वाले लोग हो गए पर्सन। तो जो पर्सन डोर से पास हो रहा है वो अगर किसी एंगल से आ रहा है, सीधे नहीं आ रहा, किसी एंगल से आ रहा है, तो एडजस्ट किसको होना होगा, पर्सन को एडजस्ट होना होगा, एरिया वेक्टर को एडजस्ट होना होगा, पर्सन को एडजस्ट होना होगा, ऐसा तो नहीं कोई डोर का एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। तो यहाँ पे कौन एडजस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया पास नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिक पास हो रहा है तो एडजस्ट किसको होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप को एडजस्ट करेगा। एडजस्टमेंट कितने तरीके से होते हैं, दो पार्ट में होते हैं, कौन कौन सा फॉर्म, ईच वेक्टर कंपोनेंट आर डिसॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, दैट इज ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, मतलब कॉस के कंपोनेंट में और साइन के कंपोनेंट जो एडजस्ट होता है, इसको एडजस्ट होना है ई को, ई के दो कंपोनेंट होंगे, एक का कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में, दैट इज ई कॉस थीटा ऊपर के डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट क्या कहां होगा, यहां होगा, दैट इज ई साइन थीटा। अब मुझे बताइए कि ई के दो कंपोनेंट हो गए, अब ई नहीं हुआ, ई के दो कंपोनेंट हो गए, डिसॉल्व हो गए दो कंपोनेंट, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा, पास कौन होगा, कौन पास इस पर्टिकुलर रीजन से पास हो जा रहा है, इफेक्टिवली पास हो जा रहा है, ई कॉस थीटा या ई साइन थीटा, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ई कॉस थीटा पास हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ई कॉस थीटा पास हो जाएगा, ई साइन थीटा नहीं पास होगा, क्योंकि वो क्या है, पैरेलल है, रीजन से पास नहीं हो रहा है। By definition, definition में आपसे क्या बोली थी? Definition में बोला आपसे कि the field lines which is passes through the region, तो ये तो पास नहीं हो रहा था, पास कौन हो रहा है? इस region से, इसके direction में कौन पास हो रहा है? Cos theta पास हो पा रहा है, तो cos theta क्या हुआ? Effective field, ठीक है? तो इस side theta क्या है? Ineffective है, तो बात क्यों पास होने की है? वो सब cos theta के लिए जाएगी, किससे पास हो रहा है? कितने region से? अगर मैं टोटल रीजन का निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर एक यूनिट का पता हो तो टोटल रीजन का निकालना हो तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स एक यूनिट का निकालना पता है आपको, टोटल यूनिट का निकालना है तो क्या करते हो, बेसिकली हम मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करते, इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने, ऑफ कोर्स पढ़ा है, नहीं तो इधर में तो पूरा आपका इंटीग्रेशन है ही, तो आपको क्या करना है, आपको छोटे यूनिट के लिए पता है, टोटल यूनिट के लिए पता करना है, क्या करोगे इसको इंटीग्रेट, बताएंगे कि आप इसको क्या लिख सकते हो,
phi is equals to integration for the whole bounded region, vector of E dot vector of dA, that is the formula of electric flux. That is integral formula of electric flux. Again, agar electric field constant hai, no? If electric field is constant, तो जो constant होता है उसको आप क्या कर देते हो बाहर, तो आप क्या करोगे vector of E और integration क्या किसका करोगे आप D का integration करोगे dA का, तो क्या आ जाएगा A, तो आपने इसका क्या कर दिया dot, this is the electric flux, this is electric flux to the region. अब आप इसको फाइनली चाहो तो इसको ब्रेक करके वापस से क्या लिख सकते हो E A cos theta, तब जब electric field variant हो sorry constant हो तब, अच्छा electric field variant हो तब अब हमें क्या करना है पाई से दोस्तों ई डॉट ए के बाद अब हम इसका मेजरमेंट निकाल चुके तो इसमें हम अप्लाई करेंगे केस क्या है केस नंबर वन अच्छा क्या है केस नंबर वन केस क्या होता है कि जब फील्ड लाइंस किसी रीजन से पास होती है तो किस किस केसेस में किस किस कंडीशंस में वो मैक्सिमम वैल्यूज प्रोवाइड करती है किस किस कंडीशन से मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करती है उसको हम कहते हैं केसेस तो फर्स्ट केस में क्या है कि इफ फील्ड लाइंस passes perpendicularly to the plane. अगर हम ये कहें आपसे if field lines passes perpendicular to the plane. आप मुझे ये बताने वाले हो कि अगर field lines plane के perpendicular हो रही है तो theta की value कितनी होने वाली है अगर ये field lines आपकी इस तरीके से pass हो रही है तो आपने देख लिया थीटा था अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो गया फील्ड लाइंस तो थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है नो नेवर थीटा इज 0 डिग्री ये प्लेन हो गया आपका और आपके ये फील्ड लाइंस पास हो रही है अगर ये फील्ड लाइंस ऐसे पास होंगी तो एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल बनेगा एरिया वेक्टर तो पहले से ही परपेंडिकुलर ये भी परपेंडिकुलर दोनों परपेंडिकुलर हो तो दो परपेंडिकुलर मतलब ये पैरेलल हो गया पैरेलल के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री नाउ द फ्लक्स ठीक है ना नाउ द फ्लक्स विकास ठीक है ना नाउ द फ्लक्स तो फ्लक्स आप कैसे निकालोगे फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कोई भी डाउट हो बोलोगे फाई इज इक्वल टू आपने क्या लिखना है ई ए कॉस 0 डिग्री इसको हमने ओपन कर दिया ई डॉट ए को ई ए कॉस थीटा से तो आपका वेक्टर फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 0 की वैल्यू हो गई ऊपर तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही होती है ठीक है इसका मतलब प्लस क्या उस टाइप पे इस टाइप में प्लस कितना बचे मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है हमें कैसा मिल रहा है मैक्सिमम फ्लक्स मिल रहा है ठीक है ये हो गया हमें केस मिल गया फर्स्ट अगर मैक्सिमम फ्लक्स से ही होगा तो हम फील्ड लाइंस को कैसे पास कराएंगे परपेंडिकुलर पास कराएंगे मेरे पास केस 2 है ठीक है केस 2 आप रिजॉल्व करो क्या होना चाहिए इफ field lines perpendicular then the flux will be maximum now what will be the next if field lines passes parallel to the plane of course is pari theta field lines passes through parallel ye plane ho gaya aur plane se parallel aise pass ho raha hai to zara bataye ki area vector to abhi bhi upar hai फील्ड लाइंस तो ऐसे पास हो रही है पैरेलल तो जरा बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी इस बार हां 90 डिग्री ऑफ कोर्स 90 डिग्री होगी पता चला कैसे ये ऐसे पास हो रही है एरिया वेक्टर तो आपका ऊपर है तो चलो बेटा ये फटाफट नाउ द फ्लक्स फ्लक्स कितना होने वाला तो फ्लक्स इस बार आप लिखने वाले हो क्या फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस 90 दैट इज व्हाट दैट इज इनफ going to be zero क्या बता रहा है कोई भी फ्लक्स पास होता होना भी चाहिए कि ये परपेंडिकुलर पास होता तो अच्छा होता लेकिन इसका पैरेलल पास होने की स्थिति दैट इज प्लस 0 तो ये हो गया हमारे पास दो केस तो मैक्सिमम मिलेगा कब जब परपेंडिकुलर पास करो मिनिमम कब मिलेगा जब आप पैरेलल पास करो ठीक है फील्ड लाइंस को ठीक है इट्स ओके जब हम कोई क्वांटिटी का मेजरमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए एक तो फार्मूला चाहिए फार्मूला में ले लिया तो हमें यूनिट निकालना है ठीक है तो हमने मेजरमेंट फॉर्मूला तो निकाल लिया अब हमें यूनिट चाहिए ठीक है आइए यूनिट निकालते हैं तो कोई ऑल्सो
ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है, इसकी यूनिट निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर फिजिकल क्वांटिटी का अपना कुछ ना कुछ यूनिट तो होता ही है, इन फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट यूनिट क्या होगा, फाइ इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, ई की यूनिट क्या होगी फिर पता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, नाउ द यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक बात हम आपको और बता दें, ये तो हो गई यूनिट, ठीक है, यूनिट आपने मेंशन कर दी। एक और फैक्टर है डायमेंशन फैक्टर। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन हम लोग साथ में कर ले तो ज्यादा अच्छा है, हर क्वांटिटी का डायमेंशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि फ्यूचर में अगर जरूरत होगी तो हम अलग अलग क्वांटिटी का निकाल करके सारे पहले से निकाल के रखे थे, ठीक है, एग्जामिनेशन में डायमेंशन का यूज आया। तो हम क्या करें, फाइव इज इक्वल टू इसका डायमेंशन, न्यूटन का डायमेंशन जानते हो क्या, एम एल जानते हो, टी माइनस टू, ठीक है, और मीटर का क्या होता है, एल टू, और साथ में आप नीचे क्या लिखते हो, कूलम का एटी। नाउ तो फाइव इज इक्वल टू एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स, अच्छा अभी आप फ्लक्स तो जान लेंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दिक्कत ये होती है कि फ्लक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज फील्ड लाइन्स इज इमेजिनरी, दिस पासेस थ्रू द बाउंडेड रीजन व्हिच इज आल्सो इमेजिनरी, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई फ्लक्स, फ्लक्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लक्स जस्टिफाई करके फायदा क्या है, क्या मतलब है इसका, तो हम बता दें कि फ्लक्स हम लोग पढ़ते इसलिए ताकि हम लोग क्या डिटरमाइन कर सके, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो फ्लक्स की जानकारी हम लोग इसके हासिल करें ताकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालें, ठीक है। अब दिमाग में बात आ रही है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले भी निकाले थे, फिर हम लोग दोबारा फ्लक्स निकाल के फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता था वो किसी पॉइंट चार्ज से निकाल रहे हैं, और अब हम लोग जो निकालने वाले हैं वो फ्लक्स के थ्रू निकालेंगे, और जब फ्लक्स हमको पता हो जाए तब हम बताएंगे कि कैसे हम पॉइंट चार्ज से अलग होकर सोच सकते हैं। पहले पॉइंट चार्ज के कारण पता था और अब हम सिस्टम के कारण निकालने वाले, बताएंगे आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग सिस्टम के कारण निकालते हैं, वो भी किसके हेल्प से, फ्लक्स, ओके फाइन। तो ये हो गई फ्लक्स। अब फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चंस हम फ्लक्स से रिलेटेड कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास
तो हम लोग अभी थोड़े दिन पहले टॉपिक जो पढ़े थे उसमें हमें देखा था एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल हमें पता होना चाहिए। एंगल 60 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच में हमें एंगल 60 के बीच में चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। जरा बताएंगे कितना बनेगा 60 डिग्री। कैसे बताया आपने ये एंगल डिग्री आपने इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया पहले से दैट इज 60 डिग्री। आई थिंक अब कर लो कैसे करोगे ना फ्लक्स इस वाले रीजन का एरिया
यहाँ पे या फिर इसके लेफ्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? राइट साइड में, ठीक है। फॉर द रीजन, फॉर द रीजन पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस के लिए अगर फ्लक्स की बात करें तो दैट इज फाइव वन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, तो आपने क्या लिखा है वेक्टर ऑफ पी डॉट वेक्टर ऑफ ए, ये लिखा बहुत बढ़िया। तो वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू आप क्या बताओगे? वेक्टर ऑफ पी की वैल्यू आपने बताना है क्या? पी की वैल्यू बताना है थर्टी आई क्या, ठीक है, ब्रैकेट इधर आइए, बताइए किस डायरेक्शन में, लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में। तो अब आपको क्या लिखना होगा इसके इसके बीच में एंगल, आप समझ रहे हो, ऑपोजिट में कितना बनेगा माइनस आई क्या बनेगा, नेगेटिव एक्सिस में माइनस आई क्या, तो इसका एरिया कितना है, इसका एरिया साइड कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये आपका 10 सेंटीमीटर साइड आप मेंशन कर रहे थे, 10 सेंटीमीटर साइड है 10, ये 10 साइड साइड से होगी 10 बाय 10, इस साइड कितनी है 100, यहां पे आपको कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू 10 टू पावर माइनस 4, ठीक है, अब फिर साथ में क्या होगी आई क्या माइनस है, ठीक है, यहां पे अगर लगा दिया आप माइनस, तो फाइनली 30 आई डॉट आई की वैल्यू 1 होती है माइनस मल्टीप्लाई करिए तो 3 इनटू 10 टू पावर 3 माइनस नाउ 0.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, ये आ गया आंसर, किसका आ गया इधर वाले रीजन का, बात कर रही हूँ अब इधर वाले रीजन पे आ गए, तो इधर वाले के बारे में बात कर लेते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या था, एम एन ओ के, एम एन ओ के, तो फॉर रीजन M N O P, इसको बताइए इधर क्या होने वाला, तो phi 2 that is vector of E dot vector of A, इसका एरिया वेक्टर बताइए मुझे, इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा बाहर, ठीक है, इसका एरिया उतना ही होने वाला है, तो आपने क्या लिखना है 30 I cap bracket dot 100 into 10 to the power minus 4, अगर दोनों डायरेक्शन सेम है तो इसका I cap जो का कीमत माइनस नहीं होने वाला, तो आपने क्या लिखना है ये आएगा 0.3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, इसका फ्लक्स नेगेटिव इनवर्ड आउटवर्ड, ठीक है, टोटल फ्लक्स निकालना, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हमें सबका निकालना होगा, कितने पृष्ठ होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, इसी के ऊपर आपका सिलेंडर, ठीक है, चलो नोट करो।